हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीवो Y75 4G फोन के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हो तो मैं बताने वाला हूँ कि आपके लिए ये फोन बेस्ट है या नहीं, क्योंकि यह फोन 4G है तो हर कोई 5G फोन अभी खरीदना चाहता है। बट अभी किसी के यहाँ वाईफाई अवेलेबल है तो वो 4G फोन से भी काम चला सकता है, और वैसे भी 5G का नेटवर्क अभी स्लो है और 5G फोन खरीदने से उसकी बैटरी भी थोड़ी ड्रेन होती है, तो ऐसे में आपको 4G फोन खरीदना ही बेहतर होगा। और इंटरनेट की बात करें तो वो वाईफाई से भी काम चल जाएगी। तो मैं वीवो Y75 4G फोन के बारे में बता देता हूँ, इसमें क्या क्या दी हुई है, इसका कैमरा कैसा है, प्रोसेसर कैसा है और इसकी रैम कैसी है, मैं इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसकी मॉडल की बात कर ले तो ये ग्लास बैक के साथ आती है जो कि देखने में बहुत ही शाइनी लगती है, और इसे हाथ में लेने से लाइट फील भी होता है। अब इसकी रैम की बात करें तो ये 20,000 के आसपास 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल मिलेगी आपको। अब इसकी प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek G96 Octa-Core मिल जाएगी जो कि काफ़ी बेहतर प्रोसेसर है, और इसमें गेमिंग की एक्सपीरियंस भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये फ़ोन मैं 1 महीने से यूज कर रहा हूँ, ये काफ़ी बेहतर फ़ोन है और ये अभी तक ये लैग भी नहीं कर रही है। अब इसकी डिस्प्ले की बात कर ले तो 6.4 इंच फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले इसमें दी हुई है जो कि काफ़ी बेहतर डिस्प्ले है, और इसमें आपको 4050 mAh की बैटरी मिल जाएगी। तो इसकी कैमरे की बात कर ले तो 50+8+2 MP इसमें दिया हुआ है, और सेल्फी कैमरा की बात कर ले तो 44 MP इसमें दिया हुआ है, और इसमें आपको डुअल सिम टाइप देखने को मिलने वाले हैं। अब चार्जिंग की बात कर ले तो इसमें आपको टाइप सी की चार्जिंग मिल जाएगी, और इसमें आपको ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको ईयरफोन यूज करना है तो फोन के साथ ही ये एक्सटर्नल ऑडियो जैक मिल जाएंगे। अगर आप इस फोन को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।